हेलो एवरीवन, मौर्य साम्राज्य हमने पढ़ा था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उसका पतन कैसे हुआ कि उसके शासक धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। जो अंतिम शासक बृहद्रथ था उसकी हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, और फिर सत्ता हथिया के वो खुद का वंश उसने चलाया। तो शुंग वंश, शुंगा डायनेस्टी स्टार्ट होती है वहाँ से। लेकिन इससे पहले देखें कि दो तरीके से पूरे भारत में प्रशासन हुआ। पहले तो मौर्य साम्राज्य जो पूरा एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके पतन के बाद टुकड़ों में कई अलग अलग बटा और फिर वहाँ लोगों ने राज किया। तो पहले जो देशी रियासतें, जो देशी शासक थे, जो यहाँ के लोकल इंडिजिनस पीपल थे, उनके जो एम्परर थे वो लोगों ने राज किया। और उसके अलावा जो विदेशी शक्तियाँ थी, जैसे बाहर से आक्रमण करके आती थी और यहीं पे सेटल हो जाती थी, तो वो उन्होंने भी राज किया। उन इन मौर्य यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड, यानी उत्तर उत्तर मौर्योत्तर काल को हम इस तरह से देखते हैं कि पहला तो ये जो जैसे पुष्यमित्र शुंग है, इसने तो शुंग डायनेस्टी, फिर उसके बाद सातवाहन साउथ में आंध्रा एरिया में, फिर इस तरह से, और फिर आगे चल के और भी। तो ये देशी जो यहाँ के लोकल इंडिजिनस पीपल थे वे थे। उसके अलावा जो बाहर से आए थे वो इंडो ग्रीक हो गए, जैसे, और फिर पार्थियन है, शक है, और फिर कुषाण है। कुषाण में आप सबसे जो है कनिष्क को सबसे प्रभावशाली शासक पाते हैं। फिर इस तरह से कई विदेशी और यहाँ के लोकल दोनों शासक शासकों ने पूरे भारत पर इस तरह से अलग अलग जगह पर राज किया। तो जो केंद्रीकृत प्रशासन था मौर्यों के टाइम पे, वो अब विघटित होके इस तरह से हो गया था। ये 500 साल तक ये काल चला। फिर उसके बाद गुप्ताज एरा में, यानी गुप्त वंश के काल में, उस समय फिर से जो है एकीकृत हुआ ये प्रशासन। तो वहाँ तक जाने से पहले इन कुछ वंशों के बारे में, कुछ कुछ शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुंग डायनेस्टी देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके ये शासन अपना कर लिया था। तो ये एक्चुअली इसने भागवत धर्म, ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने तो भागवत धर्म फिर चलाया, और फिर यहीं से विष्णु की जो अर्चना पूजा ये सब स्टार्ट होती है अच्छे से। तो इस तरह से हिंदू धर्म को एक तरह से फिर से रिवाइव किया इसने, जो वैदिक वैदिक धर्म था। क्योंकि अभी तक मौर्यन पीरियड में बुद्धा जैनाज ये सब चलते थे, इन इन धर्मों का ज़्यादा वो होता था। अब बुद्ध काल के बाद ये फिर से वैदिक धर्म वापस आता है, और फिर ये चलता है फिर आगे तक। इसको देखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए, और वो यज्ञ जो पतंजलि, इसके जो पुरोहित थे पतंजलि, उनकी मदद से हुआ। उसमें से एक जो है उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। फिर इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग ने कई स्तूप बनवाए। अच्छा, कहा जाता है कि एक किंवदंती ये है कि पुष्यमित्र शुंग जो है बुद्ध धर्म का घोर विरोधी था, उसकी वजह से उसने बहुत सारी बौद्धों की हत्या करवाई। ये बहुत एक तरह से अतिशयोक्ति लगती है। हालांकि वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, तो हो सकता है उसके कुछ विचार रहे हों ऐसे, या कोई कृत रहा हो। लेकिन पूरी तरह से ये कह देना कि एकदम घोर विरुद्ध था, उसने बड़े पैमाने पर हत्याएं करवाई, ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। क्योंकि बौद्धों की स्तूप भी उसी ने बनवाए, और इस तरह से दो तीन स्तूप बनवाए उसने, और कुछ स्तूपों की मरम्मत करवाई। जैसे सांची का स्तूप है, उसके चारों ओर जो वेदिका है वो पहले लकड़ी की होती थी, उसके बाद पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें हटवा के पाषाण यानी पत्थर का बनवाया, ताकि वो फिर नष्ट ना हो सके, लंबे समय तक चले हैं। और इस तरह से एक भरहुत का स्तूप है मध्य प्रदेश में, वो भरहुत का स्तूप उसने बनवाया। इस तरह से स्तूप भी बनवाए। तो ये कह देना कि बौद्ध धर्म के बहुत खिलाफ था, ये भी ठीक नहीं। अच्छा, तो पुष्यमित्र शुंग के बाद
उसका जो पुत्र था वो आता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अग्निमित्र, उसका जो व्याख्यान है वो मालविका अग्निमित्र जो कालिदास रचित संस्कृत में टेक्स्ट है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें दिया गया है उसके बारे में। अग्निमित्र के बारे में यह है कि अग्निमित्र उस स्टोरी का जो है नायक है यानी हीरो है, और जो नायिका है वो मालविका है, इसलिए इसका नाम दोनों जोड़ के अब मालविका अग्निमित्रम रखा गया। कालिदास ने ये रचा था। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो हम देखते हैं अभी अग्निमित्र के बारे में। पुष्यमित्र शुंग के बारे में एक डिटेल है कि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में दिया गया है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित जितने स्तूप थे उनको तोड़वा दिया था, लेकिन ये एक तरह से अतिशयोक्ति कही जा सकती है, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग के अलावा उसने ये भी किया था कि सांची और भरहुत के स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। सांची के स्तूप के चारों ओर जो वेदिका थी लकड़ी की, उसको हटवा के पाषाण यानी पत्थरों की वेदिका बनवाई थी, फिर भरहुत का एक नया स्तूप बनवाया था। तो इस तरह से ये भी एक तरह से पॉजिटिव बात थी उसके लिए, ये बौद्ध धर्म को लेके इतना ज़्यादा वो अगेंस्ट नहीं था, लेकिन हाँ चूंकि वो ब्राह्मण धर्मानुयायी था पुष्यमित्र शुंग, तो उसने दो अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, और जिसमें पद्मिनी पतंजलि उसके जो पुरोहित थे ये, लेकिन लेकिन बौद्ध धर्म के बहुत ज़्यादा खिलाफ था ये कहना भी उचित नहीं होगा। इसके अलावा इसका पुत्र जो है, इसके बाद अग्निमित्र इसका जो है उत्तराधिकारी बनता है, और वसुमित्र जो उसका अग्निमित्र का पुत्र था उसके बारे में ये डिटेल है कि मालविका अग्निमित्र नाटक में कालिदास ने ये अपने नाटक में जो संस्कृत नाटक था उसमें ये डिटेल दी है कि यवनों का आक्रमण हुआ था, उसका विरोध उसने किया था, वहाँ जाके सिंधु नदी के तट पर उसने उनको पराजित किया था। और इसके अलावा एक और डिटेल है पुष्यमित्र शुंग के काल में कि उसका जो पुत्र था अग्नि अग्निमित्र, उसने विदर्भ के नरेश जो विदर्भ का राजा था यज्ञसेन उसको भी हराया था, और फिर अपना विदर्भ जो है अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ये सब छोटी मोटी डिटेल्स मिल जाती है। बाकी जो भागभद्र एक शासक था, इसमें भागभद्र वो उसके काल में एक राजदूत आता है तक्षशिला से, हेलियोडोटस नाम का, और जो अंतिम शुंग शासक था उसको उसका नाम था देवभूति, उसको उसके प्रधानमंत्री वसुदेव कण्व ने उसका वध किया था, और फिर अपना खुद का राजवंश स्थापित किया। उसने कण्वा डायनेस्टी की स्थापना की, और उस कण्वा डायनेस्टी में कुछ लगभग 40-45 साल तक उन्होंने, चार राजा थे उसमें लगभग, उन्होंने राज किया। उनका जो जो गणराज्य था वो इस तरह मालवा और लिच्छवी इस तरह के राज्यों को मिला के था। तो ये थी डिटेल आपकी शुंगा डायनेस्टी की।